सारे विद्यार्थियों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। डियर स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक टेंसेस। यस्टरडे वी हैव डन प्रेजेंट टेंस, तो अज आप सिंपल पास्ट टेंस के बारे बेटे पढ़ांगे। तो कल बेटे तुम दस्या कि जिहड़िया प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के अगे चार सब डिविजन ने, तो आप अज जिहड़ा दूसरा टेंस करांगे जिहड़ा पास्ट टेंस, इन अज आप चार जिहड़ियां सब डिविजन ने उनके बारे पढ़ांगे। तो सब तो पहला बेटे आप करते हैं सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इनडेफिनिट टेंस। तो इन की है बेटे, सबजैक्ट आएगा, वर्ब की दूजी फॉर्म आएगी। हाँ जी, आप प्रेजेंट इनडेफिनिट वर्ब की पहली फॉर्म लाई सी और एस जाइए सजाया, वर्ब की दूजी फॉर्म आनी है ऑब्जेक्ट आएगा। तो द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन विच हैपन एट ए पार्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। तो भूतकाल दे विच जिहड़ा कोई जिहड़ा तुसी काम है वह तुसी कीता सी किसी समय दे विच, तां उहदे बारे अज आपां जिहड़ा ये सिंपल पास्ट टेंस दसदा है। तो सिंपल पास्ट टेंस दे विच आपां बेटे गल करदे आं एफरमेटिव, नैगेटिव, इंटरोगेटिव और नैगेटिव इंटरोगेटिव। आई प्लेड का मतलब होंदा मैं खेडिया, आई दी थां ते तुसी लाओ ही प्लेड, उहदा मतलब ही होंदा वह खेडिया, दे प्लेड वह खेडे। नैगेटिव सेंटेंस दा आई डिड नॉट प्ले, मैं नहीं खेडिया। इंटरोगेटिव डिड आई प्ले, कि मैं खेडिया। नैगेटिव इंटरोगेटिव डिड आई नॉट प्ले प्लेड। तो इन बेटे डिड आई नॉट प्ले आना बेटे जो गलत है, क्योंकि जो भी आप डिड लगाते हैं तो उन्हें आप वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है, इस चीज़ का तुम्हें खास ध्यान रखना है। डिड आई नॉट प्ले इंटरोगेटिव, ठीक है बेटे, ये करैक्ट तुम्हें कर लेना सारे ने। अगे है बेटे जिहड़ा आपां पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिहड़ी आपां दूसरी सब डिविजन पास्ट टेंस की करांगे भूतकाल टेंस की, जिंदे विच आपां करांगे सबजैक्ट है वाज वार लगावांगे, उस तों बाद वर्ब की पहली फॉर्म आई एन जी लगावांगे ओबजैक्ट। तो जिवें बेटे आपां प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के विच कीता सी, उहदे विच आपां सबजैक्ट दे नाल आपां इज एम आर दे नाल पहली फॉर्म लगाई सी, इहदे विच आपां वाज वार दे नाल पहली फॉर्म ते नाल आई एन जी लगावांगे। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन विच वॉज हैपनिंग एट ए पार्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। तो जिवें मैं गल करा बच्चा गीत गा रहा सी, असी खेड रहे सी, तो बस पास्ट की गल कर रहे हैं, तो इन्दे बारे आपां नूं दसदा है। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के विच आपां फिर उनकी अगे बेटे चार फॉर्म्स ने अफरमेटिव, नैगेटिव, इंटरोगेटिव और नैगेटिव इंटरोगेटिव। तो बॉयज वर प्लेइंग, बॉयज कहिंदा लड़के खेड रहे सन। हाँ जी, इन्दे विच तुसीं खास ध्यान रखना जिहड़ा बेटे सिंगुलर है उहदे नाल आपां की लगाना है वाज, और प्लूरल जिहड़ा है उहदे नाल आपां की लाना है वार। तां इन्दे विच आपां की वेखदे आं बॉयज की ने बहुवचन ने, इस करके आपां वार लाया, बच्चे खेड रहे सन, बॉयज वर नॉट, बच्चे नहीं खेड रहे सन, वर बॉयज प्लेइंग की बच्चे खेड रहे सन, और बाद च है अपना वर बॉयज नॉट प्लेइंग की बच्चे नहीं खेड रहे सन। तो इस सारा जरा वर की यूज़ की है, क्योंकि इन सारे में प्लूरल जरा है। अगे बेटे आप करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, सेम बेटे जिमें आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया, सब्जैक्ट के नाल आप हैज़ हैव प्लस वर्ब की तीजी फॉर्म लगाई सी, इन आप हैड प्लस वर्ब की तीजी फॉर्म लगावे, ऑब्जेक्ट लगावे। तो अगे भी गल की परफेक्ट टेंस अपने आप परफेक्ट है, जिहड़ा काम शुरू किया खत्म हो चुका है। तो इहदा मतलब की है असी खेड चुके सी, मतलब कि कोई काम शुरू किया असी और खत्म कर चुके हाँ। तो इन बारे आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वॉज कंप्लीट बिफोर एन अदर एक्शन स्टार्टड इन द पास्ट, इट इज़ यूज विद द अर्लीयर द टू एक्शन, द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज विद द अदर एक्शन। तो यह आपां नूं भूतकाल दे विच कोई आपां जिहड़ा काम कीता सी उह जिहड़ा आपां समाप्त कर चुके हैं उहदे बारे आपां नूं दसदा है। तो इन दे विच बेटे आपां इस दीआं जिहड़ियां फॉर्म्स करांगे एफरमेटिव, नैगेटिव, इंटरोगेटिव और नैगेटिव इंटरोगेटिव। तो एफरमेटिव सेंटेंस दे विच शीला हैड प्लेड, शीला खेड चुकी सी, शीला हैड नॉट प्लेड, शीला नहीं खेड चुकी सी, हैड शीला प्लेड की शीला खेड चुकी सी, हैड शीला नॉट प्लेड की शीला नहीं खेड चुकी सी। तो बेटे इन आप हैड लगावे वर्ग तीजी फॉर्म लगावे
बस इस चीज़ का तुसी जरा ध्यान रखना है। अगला बेटे अपना टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इन्दे विच बेटे की अपना फार्मूला लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है एडवर्ब बी एड प्लस नाल बीन प्लस वर्ब की पहली फार्म दे नाल बेटे तुसी याद रखना कि नाल आपां आई एन जी भी लगाना है क्योंकि इत्थे नहीं लिखिया पहली फार्म दे नाल आपां आई एन जी फिर ऑब्जेक्ट आएगा। द पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड एज एन एक्शन दैट बिगिन बिफोर द सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटीन्यूड अप टू द पॉइंट। और जिहड़ा कि बच्चा पास्ट दे विच कोई काम शुरू किया है और जिहड़ा अजे भी चल रहा है, ठीक है बेटे। तो यह देखते आप कि इन्दे विच आपां एफिरमेटिव सेंटेंस करते हैं नैगेटिव इंटरोगेटिव नैगेटिव। तो सेम बेटे की है रिया हैड बिन प्लेइंग रिया की सी रिया खेड रही सी। तो इन्दे विच बेटे आए रीता सवेर तो खेड रही सी, तो सिंस मोर्निंग तुसी आदे वालों लगा दो तो यह कंप्लीट हो जाएगा सिंस मोर्निंग। रिया हैड नॉट बीन प्लेइंग, रिया नहीं खेड रही सवेर तो नहीं खेड रही सी, इन्दे मगरब सिंस मोर्निंग। हैड रिया बीन प्लेइंग की रिया सवेर तो खेड रही सी, इन्दे मगरब सिंस मोर्निंग। और नैगेटिव इंटरोगेटिव हैड रिया नॉट बीन प्लेइंग सिंस मोर्निंग। तो यह बेटे तुसी जिहड़ा ध्यान रखना है कि जिहड़ा इन्दे विच नाल वर्ब दी आपां पहली फॉर्म नाल आई एन जी लगाना है। तो यह बेटे तुहाडा टेंस सी पास्ट टेंस और इन्दे आपां अगे चार सबडिविजन बारे पढ़िया है। तो कल आपां जिहड़ा तीजी फॉर्म है टेंस दी फ्यूचर टेंस उहदे बारे पढ़ांगे। थैंक यू वेरी मच।